हेलो सी स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑफिस अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन दिस एट सी आर थी और वेलकम टू योर ओन शो जिसका नाम है टेन मिनट्स कॉन्सेप्ट आज यू ऑल नो कि यहाँ पे हम जो छोटे छोटे हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो एग्ज़ाम में हमें अच्छे काट से वेटेज में मिल सकते हैं उन पे हम यहाँ पे रोज थोड़ी थोड़ी बातों पे चर्चा करके उन कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं ताकि जब ये एग्जाम में हमको देखने मिले तो हम यहाँ पे एकदम परफेक्ट और एक बार में ही हमारा ये सी क्लियर हो जाए तो इसके लिए हमने इसके पहले बहुत सारे यहाँ पे हमने वीडियोस बना चुके हैं मिनट्स में हमने जो टॉपिक्स टॉपिक्स होते हैं चोटी -चोटी topics जिसमें हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं और अच्छे खास क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है तो आइए आज दोबारा एक और हम एक और टॉपिक के साथ आ चुके हैं दैट इज टर्म लोन यहाँ पे आपने दो वर्ड देखा होगा टर्म और लोन तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको लोन पता है बिल्कुल लोन तो हर कोई जानता है बच्चा बच्चा जानता है आप जानते हो और यहाँ तो आप मुझसे भी बेहतर जानते होंगे कि लोन क्या होता है करेक्ट क्योंकि आप सारे हैं आप बैंकर्स और आपको भी पता है कि आप लोग का काम ही क्या है एक साइड से पब्लिक से आप डिपॉजिट लेते हैं और नेक्स्ट साइड आप लोग जिनको रिक्वायरमेंट आप उन्हें एज अ लोन दे देते हैं तो यही आज हम देखेंगे कि जब आपको सी आई बी में इसके पार्ट से आने वाला है क्वेश्चंस तो आखिर यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं बिकॉज लोन तो हर कोई बता पाता है बट कई बार इसमें स्पेसिफिकली हमें क्या देखने आएगी कौन सी सिचुएशन है ये इधर हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है तो चलिए आज हम देखते हैं कि आखिर टर्म लोन आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा और कैसे इस पे के स्टडीज या एम सी क्यू या इसके बाद आपको कोई अलग फॉर्मेट में यहाँ पे कैसे पूछा जा सकता है चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे एग्जाम्पल के साथ जैसे कि मैंने आपको बोला लोन तो आपको पता है ठीक है लोन मतलब आपने किससे जाके उधार ही ले ली है Kind of तो हर एक बिजनेस मैन कुछ ना कुछ एक बिजनेस कर रहा है, चाहे वो गुड्स का करे चाहे वो सर्विसेज का करे तो चलिए मान लीजिए यहाँ जो ये बिजनेस मैन है ये प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे गुड्स की यहाँ सप्लाई ये बिजनेसमैन गुड सप्लाई करता है इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इसकी पूरी प्रोसेसिंग करता है फ्रॉम परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू द इसकी मैन्युफैक्चरिंग टू द इसकी पैकेजिंग उसके बाद इसकी डिलीवरी और फाइनली जो कस्टमर्स आते हैं उनको हर चीज़ ये प्रोवाइड करवा रहा है तो ये बिजनेस को ये पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए क्या चाहिए अल्टीमेटली अगर आप भी आज एक काम करने जाने वाले हैं तो आपको क्या चाहिए पैसे पहली चीज लगती है पैसे कहाँ से आएंगे तो यहाँ पे यही बिजनेसमैन बोलता है कि आखिर ये पैसे कैसे आने वाले हैं तो शुरुआत में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप भी आज अपना बिजनेस चालू करने वाले हैं तो आप क्या बोलेंगे तुरंत आप बोलेंगे लोन कितने का मिलेगा या ये बोलेंगे कि मेरे पास इतना तो पैसा है फिर उसके बाद कहाँ कहाँ से आप ये पैसा और जुगाड़ कर सकते उसकी बात करेंगे करेक्ट सेम वैसे ही यहाँ पे ये बिजनेस मैन ने भी बोला इनने बोला कि मुझे ये बिजनेस करना है बट इसके लिए ये जो पैसे हैं, तो ये पैसे कुछ तो मैं खुद ही लेके आने वाला हूँ ये बिजनेस में और यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है हम उनको भी ये इक्विटीज अपने डिबेंचर्स देके कुछ ना कुछ इशू करवा लेंगे तो कुछ पैसे तो हम यहाँ से इस वे में जुगाड़ करने वाले हैं बात आती है कि अगर हमें और भी यहां पे पैसों की रिक्वायरमेंट हो जाए क्योंकि इक्विटीज भी एज कम्पेयर टू जो अभी हम बात करने वाले हैं उससे भी ज्यादा हो जाती है तो यहां पे अल्टीमेटली एक सेफ जो हमारे लिए दिखता है वो हो जाते हमारे बैंक्स करेक्ट अब यहाँ पे ये जो बिजनेस मैन है ये सोचेगा कि मैंने जितना पैसा लाना था जितनी जगह से हो सकता था वो तो मैंने ले आया है बट अब बात आती है कि मुझे चाहिए ये बैंक से लोन यहाँ बैंक के पास जाएगा ये बिजनेस और बोलेगा कि मुझे यहाँ पे लोन चाहिए तो क्या कोई भी ये जो बैंक है ये क्या कोई भी ऐसे ही लोन दे देती है कि आपको यहाँ पैसे चाहिए यहां आपने बोला कि आपको ये पैसे चाहिए तो क्या बस ये जो बैंक है बस तुरंत ऐसे आपको दे देगी लोन ले जाइए हम आप ही का इंतजार कर रहे थे ऐसा तो नहीं होगा ना यहाँ पे बैंक को भी तो सिक्योरिटी चाहिए यहाँ बैंक भी तो कुछ ना कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी ताकि क्या होगा ताकि कल को ये बदमाश ये विजय माल्या ना निकल जाए ये जो इतना हस्मों के इंसान दिख रहा है कहीं ये विजय माल्या तो नहीं होने वाला कहीं ये कोई और फ्रॉड तो नहीं करने वाले हमारे साथ ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए क्योंकि तो देखिए बैंक के पास पैसा किस है वो तो पब्लिक से ही ले रही है पब्लिक से डिपॉजिट्स ले रही है और यहाँ पे उन्हीं पब्लिक पे दे रही है पैसे तो जिनसे ले रही है उनको ही तो बहुत बड़ा वादा कर रही है ना कि हमारे पास सिक्योर रहेगी आप हमारे पास आइए यहाँ इन्वेस्ट करिए बट वहीं ये वादा टूट जाएगा अगर ये फ्रॉड करके विदेश भाग जाए तो हम क्या करें ऐसे सिचुएशंस में बैंक भी बोलती है ठीक है आपको लोन चाहिए ना आपको लोन चाहिए हम आपको देंगे बट उसके पहले उसके पहले हम ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे लाइए प्रूफ दिखाइए आई दिखाइए अपना बिजनेस प्लान बताइए और ये क्या करने वाले हैं कैसे करने वाले आपने कितना पैसा लगाया है आपने यहाँ बिजनेस में कितना पैसा लगाया है वो बताइए और अगर आपका पुराना बिजनेस है तो आज तक आपने यहाँ पे कितना लोन लिया है कितने बार आपने रीपेमेंट किया क्योंकि देखिए, अगर ये पुराना बिजनेस है तो बैंक के पास पक्का इसके पूरे चिट्टे पन्ने होंगे कैसे रीपेमेंट करते हैं इनका बिजनेस कैसा चल रहा है और यहाँ पे उस बेसिस पे भी इनको लोन प्रोवाइड किया जाता है ना? यहाँ पे उनका इंटरेस्ट रेट कैसा होगा हर चीज को वो इवेलुएट करेंगे ठीक है एस भी सही प्रोवाइड हो रहा है बिजनेस प्लान भी बहुत अच्छा है इनोवेटिव है और इसमें यहाँ पे लोग आएंगे तो मैं ये बैंक भी बोलेगी चलिए हम भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे ये बैंक हो जाएगी तैयार बट एक कंडीशन के साथ वो रहेगी कि यहाँ पे ये जो बिजनेसमैन है ये कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाएंगे ठीक है यहाँ बैंक और बिजनेसमैन के बीच में एक एग्रीमेंट तैयार होगा एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार होगा कि ये जो आखिर हम पैसे दे रहे हैं ये कितने टाइम पीरियड के लिए या दो दिन के लिए या दो साल के लिए या बीस साल के लिए या कितने टाइम के लिए तो पता रहना चाहिए ना तो यहाँ पे सबसे पहले तो देख लिया जाता है कि टाइम पीरियड क्या रहने वाला है यहाँ पे हमारा पीरियड कितना रहने वाला है कितने समय के लिए दे रहे हैं अब जितने समय के लिए दे रहे हैं तो अमाउंट कितना दे रहे हैं यहाँ पे हम अमाउंट के बारे में भी नोट डाउन करते हैं अच्छा अमाउंट जाएगा पीरियड जाएगा आखिर यहाँ पे रीपेमेंट्स कैसी होंगे अब देखिए ये बैंक क्या फ्री में बस ऐसे ही दे देगा बीस लाख ले लीजिए मान लेते हैं बीस लाख एग्जाम्पल ये लीजिए ये बीस लाख की जरूरत थी तो यहाँ बैंक क्या बोलेगा अच्छा ये लीजिए बीस लाख और ले लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट का पेपर ना भाई ना यहाँ बैंक भी बोलेगी हर महीने मुझे यहाँ चाहिए ब्याज तो यहाँ पे वो ब्याज के बारे में भी लिखा जाएगा जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ये ब्याज के बारे में भी पूरे की पूरी डिटेल्स लिखी जाएगी इस कॉन्ट्रैक्ट पे और अगर कहीं भी कुछ हो जाता है ब्रीच यहाँ कहीं भी ये जो बिजनेस मैंने उसने कर दी कोई भी गलती और उसने पे नहीं किया तो उसके भी यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस हर चीज लिखी जाती है तो यहाँ पे ये जो लोन प्रोवाइड किया गया और ये पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए यही होता है हमारा टर्म लोन जो है हमें बैंक प्रोवाइड करती है अब वो एक बिजनेसमैन को प्रोवाइड कर रही है क्योंकि जब आप ए बी एफ एम पढ़ रहे तो यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी जा रही है तो उनको यहाँ पे जो पैसे देने हैं उनके लिए हम कैसे पैसे जुगाड़ करने वाले हैं और उस पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे तैयार होता है तो ये पूरा एक सिचुएशन फॉर्म होता है इन केस ऑफ योर टर्म लोन करेक्ट चलिए तो जल्दी सब इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली टर्म लोन मतलब क्या होता है टर्म लोन मतलब होता है अ अ अ टर्म लोन प्रोवाइड्स बोरोवर्स विद लंप सम ऑफ कैश अप फ्रंट इन एक्सचेंज फॉर स्पेसिफिक बोरोइंग टर्म्स यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे बैंक ने बोरोवर जो हमारे बिजनेसमैन है उसको एक लंप सम अमाउंट दिया बीस लाख दे दिया बट इन एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक टर्म्स के साथ है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ दिया गया है इस कंडीशंस और ये टर्म्स को हम लोग बोलते हैं फिर ये जो लोन प्रोवाइड किया गया है ये है हमारा टर्म लोन अब यहाँ पे यह आ जाता है कि यहाँ पे आप लोग को कई बार ना ये लोन पीरियड से बताना पड़ जाता है कि ये जो लोन है ये जो टर्म लोन है ये आखिर कैसा है क्या वो शॉर्ट टर्म है मीडियम है या लॉन्ग टर्म है इससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे जा सकते हैं केस स्टडी भी बन सकता है इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन बोला जाएगा अगर वो अप टू वन ईयर है 12 महीने तक के लिए अगर आपने किसी बिजनेसमैन को लोन दिया है तो वो क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन वहीं पे ये हो जाएगा मीडियम टर्म टर्म लोन अगर ये एक से पाँच साल के लिए दिया गया है और वहीं हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन अगर आपने पाँच साल से ज्यादा बट दस सालों तक के लिए ही दिया है तो ये होता है आपका शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म लोन ठीक है देखिए टर्म लोन तो हमको पता चल गया क्या है अब उसके टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हमें बताना है कि वो शॉर्ट है मीडियम है कि वो लॉन्ग टर्म है आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या होता है हमारा टर्म लोन और आपके ए में यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आई होप इसके बाद जब भी आपको पूछा जाए तो टर्म लोन तो आपको पता था बट यहाँ पे शॉर्ट है मीडियम है लॉन्ग है और एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है वो सारी चीज अब आपको क्लियर हो चुकी होगी चलिए तो जल्दी से बात कर लेते हैं कि जैसे अब आपके एग्जाम्स पास में हैं तो आपने अभी तक तो इनरोल बैचेज में कर लिया होगा उसी के साथ आप लोग को ये बता दिया जाता है कि आप लोगों की जो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सी आई बी एग्जाम्स है यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑलरेडी पावर पैक रिविजन बैचेस आ चुकी है विथ केस स्टडी देखिए यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज आप देखेंगे सब एक्सपर्ट फैकल्टीज है इनने आप लोगों के लिए हर एक तैयारी करके रखी हुई है जो आपके पुराने कैंडिडेट्स हैं, आप उनसे बात करिएगा उनने भी यहाँ पे एकदम पॉजिटिव रिजल्ट दिया और में हाँ क्लियर किया है बट याद रखिए प्रोवाइड करवाई दी करवाई गई थी तो ये आप लोगों के बैचेज आ चुके हैं चाहे आपको अब इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है अगर आपको यहाँ पे हिंदी बायोलैंग्वल में चाहिए तो वो भी अवेलेबल है याद रखिए टाइम जाते है जा रहा है ये टाइम किसी का वेट नहीं करने वाला ये टाइम को जितनी जल्दी हो सके आप लोग यूटिलाइज करना शुरू करिए और यहाँ पे एक और पॉजिटिव पॉइंट करेंगे 5, 8, 9, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट साथ में एक और बात जो आपका ये महापैक है जैसे यहाँ तो मैंने इंडिविजुअली आपसे बात करी है महापैक में आपको जो एक फुल फ्लैज हमारी क्लासेस होती है वो भी मिलने वाली है ये जितने रिविजन बैचेस, क्रैश कोर्स आपके टेस्ट केस स्टडीज़ जो आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है याद रखिएगा ये अमाउंट आपको ज़रूर लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा है बट जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे जैसे आप ये कोड यूज करेंगे आपको मिलेगा यहाँ पे 80% परसेंट तक का डिस्काउंट और अभी आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है तो इट्स बेटर कि आप एक बार ये महापैक 2.0 खरीद लीजिए और एग्जाम तक के लिए टेंशन फ्री हो जाइए क्योंकि जितनी भी बैचेस आएंगी ऑलरेडी एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड हर बार आपको ना परेशान होने का जरूरत नहीं रहेगा तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा लाइक like कर दीजिएगा जल्दी से ये हमारे सेशन को शेयर कर दीजिएगा और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी न्यू न्यू अपडेट्स आ रही है जो भी आप लोगों के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग